हेलो रिवान, स्वागत करदा तुहाडे सारयां दा तुहाडे इस अपने चैनल स्टडी पॉइंट 44 दे विच। हाँ जी, अज दी आपां इस वीडियो विच कंप्यूटर सबजैक्ट नाल रिलेटेड टॉप 20 MCQ कवर करांगे। ये सारे ही MCQ अलग अलग कंप्यूटर एग्जाम च बहुत ही बार रिपीट हो चुके हन। हाँ जी, जेकर तुसी पंजाब दे जां इंडिया दे किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हो तो अज की यह वीडियो थोड़े लिए काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल साबित होने वाली है। सो सारे विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट है कि तुसी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एंड जिहड़े विद्यार्थी इस चैनल पर नवे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल में हुणे ही सबसक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर लवो ता जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानू टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हुण आपां ज़्यादा समा वेस्ट ना करते हुए अज की इस वीडियो शुरू करते हाँ। हाँ जी, अपना पहला प्रश्न है किसी प्रोग्राम विच आए एरर नू लभण दी प्रक्रिया नू की कहा जाता है। पहला तो तुहानू यह पता होना चाहिए जो किसी प्रोग्राम विच कोई एरर आ जाता है तो उसनू की नाम दिता जाता है, उसनू बग कहा जाता है। इस तो अलावा इतने अपने को प्रश्न पूछा गया है कि जेकर किसी प्रोग्राम विच एरर आ जाता है तो उसनू आपां लभण दी कोशिश करते हाँ तो उस प्रक्रिया नू की कहा जाता है। तो इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा, सी इस द राइट ऑप्शन होगा, उसनू टैसटिंग का नाम दिता जाता है। हाँ जी, जेकर आप जिहड़ा अपने प्रोग्राम विच एरर आता है उसनू आपां लभण दी कोशिश करते हाँ तो उस प्रक्रिया नू की नाम दिता जाता है, उस प्रक्रिया नू टैसटिंग का नाम दिता जाता है। इस तो अलावा जिहड़ा अपने प्रोग्राम विच एरर आता है उसनू खत्म करने की प्रक्रिया नू की कहा जाता है, तो फिर थोड़ा सही आंसर की हो जाएगा, डीबगिंग या डीबग। इस गल भी तुसी जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट आप मूव करते हाँ सैकेंड नंबर प्रश्न वाला। हाँ जी, जावा लैंग्वेज की खोज किसने की थी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की होगा, बी इस द राइट ऑप्शन होगा, जेमस गौसलिंग। हाँ जी, जी जावा लैंग्वेज सी तो इसकी खोज किसने की थी, जेमस गौसलिंग। इस तो अलावा जी जावा लैंग्वेज है ये अपने को एक हाई लैवल लैंग्वेज है, बट जी अपने को कंप्यूटर रीड करता है भाषा वो अपने को लैंग्वेज है, वह है अपने को लो लैवल लैंग्वेज। इस तो अलावा डैनिस रिची ने कि भाषा की खोज की है जो भाषा बनाया सीगा, सी भाषा में। इसनों भी तुसी नोट कर लेना है क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सी भाषा की खोज किसने की थी, तो फिर थोड़ा सही आंसर की हो जाएगा, डैनिस रिची। नैक्सट थर्ड नंबर प्रश्न। हाँ जी, हेठ लिखा विचों केड़ा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या डक डक गो। हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन होगा, डक डक गो। हाँ जी, डक डक गो का नाम का कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, बाकी अपने को कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आ जाता है, इंटरप्रेटर भी, ट्रांसलेटर भी, यह सारे अपने को सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आ जाते हैं। नैक्सट आप मूव करते हाँ फोर नंबर प्रश्न वाला। हाँ जी, जेकर वीडियो हैल्पफुल लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो वो तो शेयर एंड लाइक भी कर दो। हाँ जी, फोर नंबर अपना प्रश्न है, हेठ लिखा विचों केड़ा प्रोग्राम हाई लैवल भाषा नू मशीन भाषा विच बदलता है, लोडर, लिंकर, ए एंड बी बोथ जां कंपाइलर। हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की होगा, डी इज द राइट ऑप्शन होगा, लोडर। हाँ जी, इन्हां विचों केड़ा प्रोग्राम जो होंदा है वह हाई लैवल भाषा नू मशीन भाषा विच बदलता है, तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा, कंपाइलर भाषा। तुहानू पता होगा जो अपना कंप्यूटर होंदा है ए मशीन भाषा नू रीड करता है, यानी कि बिट नू रीड करता है, 01 नू। नैक्सट आप मूव करते हाँ। हाँ जी, एंड्रॉयड ऐप की एक्सटेंशन फाइल कैड़ी होंगी है, .apa, .apk, .pak या .exe। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा, बी इस द राइट ऑप्शन होगा, .apk। हाँ जी, जो एंड्रॉयड ऐप होंदा है तो उसकी एक्सटेंशन फाइल कैड़ी होंगी है, .apk। इस तो अलावा जिहड़े अपने कंप्यूटर विच सॉफ्टवेयर वरते जाते हैं तो उन्होंने एक्सटेंशन फाइल कैड़ी होंगी है, .exe। इस भी तुसी जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट आप मूव करते हाँ जी, हाई लैवल भाषा विच केड़ा कोड लिखा जाता है, बिट, इंग्लिश, ए एंड बी बोथ या मशीन। हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इस द राइट ऑप्शन होगा, इंग्लिश। हाँ जी, हाई लैवल जो भाषा होंगी है जिमें कि जावा होगी, सी होगी, सी प्लस प्लस होगी, फोरट्रॉन होगी,
बेसिक होगी तो सारिया अपने को जो लैंग्वेज होंगे हैं ये हाई लैवल लैंग्वेज होंगे हैं। तो इन्होंने जो कोड लिखा जाता है तो वह कि कोड हों इंग्लिश भाषा के कोड हों बट जो अपना हों दूसरा मशीन कोड वो जीरो वन की फॉर्म हों जिसन कंप्यूटर रीड कर सकता है। नैक्सट अपना प्रश्न हैगा हेठ लिखा विचों कि वायरस लोडर नू खत्म कर दिता है क्रीपर बूट सैक्टर लॉजिक बंब ज आई लव यू। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की होगा बी इज़ द राइट ऑप्शन होगा बूट सैक्टर। हाँ जी बूट सैक्टर नाम का एक वायरस हों जो कि अपने लोडर नू खत्म कर दिता है। लोडर की हों जो भी तुसी अपने कंप्यूटर नू जा अपने मोबाइल नू ऑन करते हो तो थोड़े सामने जो सपोज़ मैं मोबाइल नू ऑन किया तो थोड़े सामने जो पहला अपने सिंबल दिखाई देगा जो भी अपनी कंपनी का फोन हैगा चाहे वह एम आई का चाहे वह वीवो का है ओप्पो का है तो थोड़े सामने एक आईकोन दिखाई देगा स्टार्टिंग का आईकोन तो उसनों ही लोडर का नाम दिता जाता है यानी कि जो उसनों लोड करता है तो उसको की आप कहें कि लोडर। नैक्सट अपना प्रश्न है पोस्ट नाम का प्रोग्राम किस के अंदर होता है। पोस्ट मीनिंग की होता है पावर ऑन सैल्फ टेस्ट ये होंगी अपने को इसकी फुल फॉर्म। तो अपने को इत्थे ये पूछा गया है कि जो प्रोग्राम होता है ये किस के अंदर होता है रैम के अंदर कैशे मैमरी के अंदर बायोस के अंदर जा नन ऑफ दीस। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी इस द राइट ऑप्शन होगा बायोस के अंदर। हाँ जी पोस्ट नाम का जो प्रोग्राम होता है ये बायोस के अंदर होता है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट के अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर होता है पोस्ट नाम का प्रोग्राम। इस तो अलावा अपने को एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है वह किस विच होती है तो फिर भी थोड़ा सही आंसर की हो जाएगा बायोस। नैक्सट हेठ लिखा विचों केड़ा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस विंडोज़ मैक जां ऑल ऑफ दीज। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा एमएस डॉस। हाँ जी इन विचों केड़ा एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस अपने को उत्तर होगा एमएस डॉस। इस तो अलावा बाकी अपने को विंडोज़ और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये अपने को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नैक्सट कंप्यूटर का वेटिंग रूम किस नूं कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत बार अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम च रिपीट हो चुका है। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा ए इस द राइट ऑप्शन होगा रैम नूं। हाँ जी कंप्यूटर का वेटिंग रूम किस नूं कहा जाता है रैम नूं ही कहा जाता है यानी कि रैंडम एक्सैस मैमरी। नैक्सट 11 नंबर प्रश्न हाँ जी हेठ लिखा विचों अलग नूं चुनो। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की होगा डी इस द राइट ऑप्शन होगा विंडोज़ क्यू आर। विंडोज़ क्यू आर अपने कोई भी विंडो का प्रकार नहीं होंदा इस तो अलावा विंडोज़ एंटी भी होंदी है एंटी मीनिंग की होंदा अपने को न्यू टेक्नोलॉजी। इस तो अलावा विंडोज़ एक्सपी भी होंदी है यानी कि एक्सपीरियंस। इस तो अलावा विंडोज़ एस ई भी होंदी है यानी कि सर्च इंजन। ये सारी अपने को विंडोज़ दिया टाइप हैं बट विंडोज़ अपने को क्यू आर कोई भी नहीं होंगी। नैक्सट एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम नू सीपीयू विच जाण तो रोकण की प्रक्रिया नू की कहा जाता है डैड प्रोग्राम डैड कलॉक डैड लॉक जां डैड प्रोसैसर। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की होगा सी इस द राइट ऑप्शन होगा डैड लॉक। हाँ जी एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम नू सीपीयू विच जाण तो रोकण की प्रक्रिया नू की कहा जाता है डैड लॉक। नैक्सट हेठ लिखा विचों केड़ा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है आइसक्रीम किटकैट लॉलीपॉप जां ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की होगा डी इस द राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव यानी कि आइसक्रीम नाम का भी एक अपने को एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है किटकैट भी एंड लॉलीपॉप भी ये सारे अपने को एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं बट तुसी कमेंट बॉक्स में दसना होगा कि अपने को लेटेस्ट इसका वर्जन कैसा चल रहा है एंड्रॉइड का यह तुसी कमेंट बॉक्स में दसना होगा। इस तो अलावा एक अपने को होर प्रश्न पूछा जाता है कि एंड्रॉइड का पहला ऑफिशियल वर्जन कैसा सीगा तो फिर थोड़ा सही आंसर की हो जाएगा कप केक। नैक्सट आप मूव करते हाँ जी डी ओ एस स्टैंड फॉर
जी डॉस की इतने अपने को फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की होगा, ए इस द राइट ऑप्शन होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी डॉस की अपने को फुल फॉर्म की होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नैक्सट भारत में इंटरनेट किड़ी कंपनी ने शुरू किया सी, BSNL ने, BSNL ने, अरपा ने जा डरपा ने। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इस द राइट ऑप्शन होगा, BSNL कंपनी ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत की सी, कदों की सी, 15 अगस्त 1995 ईस्वी के BSNL कंपनी द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई सी। नैक्सट किहड़ा देश सब तो वध इंटरनेट की वरतों करता है, इंडिया, अमेरिका, चाइना जां रशिया। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इस द राइट ऑप्शन होगा, अपना इंडिया। हाँ जी इंडिया जो है इस सब तो वध इंटरनेट की वरतों करता है। नैक्सट अपना प्रश्न है, सब तो महंगा इंटरनेट कनैक्शन किहड़ा है, डायलअप, वाईफाई, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जां मॉडम। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इस द राइट ऑप्शन होगा, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। हाँ जी सब तो महंगा इंटरनेट कनैक्शन किहड़ा अपने को, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। इस तों अलावा जेकर थोड़े को ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सब तो फास्ट इंटरनेट किहड़ा है, तो इंटरनेट कनैक्शन किहड़ा है, तो फिर भी थोड़ा सही आंसर की हो जाएगा, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। इस तों अलावा सब तो स्लो इंटरनेट कनैक्शन किहड़ा है, तो फिर थोड़ा सही आंसर की हो जाएगा, डायलअप कनैक्शन। नैक्सट मैक एड्रैस नूं लिखण दे लई किन्ने बिट की जरूरत हुंदी है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा, बी इस द राइट ऑप्शन होगा, 48 बिट। हाँ जी मैक जो एड्रैस हुंदा है इस नूं लिखण दे लई किन्ने बिट की जरूरत हुंदी है, 48 बिट की जरूरत हुंदी है, जो कि अल्फा न्यूमेरिकल विच हुंदे हन। नैक्सट हेठ लिखा विचों केड़ी डिवाइस नूं कन्वर्टर का नाम भी दिता गया है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार अलग अलग कंपीटिटिव एग्जाम च रिपीट हो चुका है। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा, सी इस द राइट ऑप्शन होगा, मॉडम। हाँ जी मॉडम नूं कन्वर्टर का नाम भी दिता गया है, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल विच चेंज करता है। इस तों अलावा मॉडम की फुल फॉर्म की होंगी है, माडुलेशन, डी माडुलेशन। नैक्सट आप इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेंगे, हेठ लिखा विचों केड़ा एक वैब ब्राउजर है, सीमोंकी, पेलमू जा अमाया। लास्ट अपने को ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा, डी इस द राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इस सारे अपने को वैब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं, यानी कि सीमोंकी नाम का भी एक वैब ब्राउजर है, पेलमोन भी एंड अमाया भी, यह सारे अपने को वैब ब्राउजर हैं। इस तों अलावा जेकर आप होर गल करिए जिमें कि गूगल क्रोम, यह भी अपने को वैब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, यह भी अपने को वैब ब्राउजर है, सफारी नाम का वैब ब्राउजर आता है। इस तों अलावा ओपेरा, यूसी ब्राउजर, यह सारे अपने को वैब ब्राउजर हैं। इस तों अलावा एक अपने को अवंत नाम का भी वैब ब्राउजर आता है, अवंत। इस तों अलावा होर अपने को वैब ब्राउजर होंगे हैं, जिमें कि आई कैब नाम का भी एक वैब ब्राउजर आता है। इस तों अलावा एक अपने को होर है कामिनो नाम का भी एक वैब ब्राउजर आता है। इन्हों भी तुम अलग तो जरूर नोट कर लेना है। वैब ब्राउजर संबंधी अपने को ऐदा ही एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि इन्हों के एक वैब ब्राउजर नहीं है, इस तरह ही अपने को एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह अज की अपनी ये वीडियो इतनी समाप्त होंगी है। ये वीडियो थोड़ा किस तरह लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर दसना है, एंड जेकर थोड़ा ये वीडियो हैल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो अपने फ्रेंड्स नाल भी जरूर शेयर करना है, तो जो एग्जाम उन्हों की भी हैल्प हो सके। इस तों अलावा जिहड़े विद्यार्थियों ने हजे भी इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को हुणे ही सबसक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर लवो, तो जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानू टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस तों अलावा तुसीं मैनूं इंस्टा ते फॉलो कर सकते हो, लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है। इस तों अलावा एक अपना होर चैनल है जिसका नाम है सक्सैस की 44, उत्थे तुहानू डेली मोटिवेशन वीडियोज़ प्रोवाइड करवाईया जांदियां हन। सो उस चैनल में भी तुसीं जरूर सबसक्राइब कर लैणा, उस चैनल की लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है। तो हुण आपां अज दी इह वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो के, थैंक यू।